राजगीर में 11 से 20 नवंबर के बीच आयोजित होने वाली एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 को लेकर प्रचार यात्रा, जिसे हॉकी ट्रॉफी गौरव यात्रा कहा जा रहा है, शनिवार देर शाम मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर स्थित स्पोर्ट्स क्लब पहुंची। इस दौरान ट्रॉफी का भव्य स्वागत किया गया, जहां डीएम सुब्रत कुमार सेन और एसएसपी राकेश कुमार सहित कई प्रशासनिक अधिकारी और खेल प्रेमी मौजूद रहे। डीएम ने इसे बिहार के लिए गौरव का क्षण बताया। पहली बार बिहार को इससे प्रतिष्ठित हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी का अवसर मिला है, जिसे लेकर पूरे राज्य में उत्साह का माहौल है। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस ट्रॉफी यात्रा का आयोजन हो रहा है, जो 5 राज्यों से होकर मुजफ्फरपुर पहुंची है। कार्यक्रम में स्थानीय लोक कलाकारों ने हॉकी गीत और लोक गीत गाकर माहौल को और भी मनोरम बना दिया, जिससे खिलाड़ियों का मनोबल ऊंचा हुआ। ट्रॉफी की इस यात्रा का उद्देश्य हॉकी के प्रति जागरूकता बढ़ाना और खेल के क्षेत्र में युवाओं को प्रोत्साहित करना है। राजगीर में होने वाली इस एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी से बिहार को खेल जगत में एक नई पहचान मिलेगी। हाँ, अभी कर जा रहे हैं सर। हाँ, अभी कर जा रहे हैं सर। हो गया भाई? नहीं, हम जाएंगे आगे। नहीं, कई बार एक लेने के। अरे वहाँ अंदर ले जाइए, वो अंदर। This news is brought to you by Himalayan International Residential School, Siliguri, West Bengal. काम कर रहा है सर। हां, तो हो गया। तो देवी भैया का स्ट्रगल है। देखिए, हम लोग सब लोग जान रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय जो स्टेडियम बन करके जो खेल की फैसिलिटी राजगीर में डेवलप हो रही है, उसी कड़ी में एक अंतर्राष्ट्रीय इवेंट जो एशियन चैम्पियनशिप है, ट्रॉफी है महिला हॉकी का, वो राजगीर में आयोजित किया जाना है। और ये गौरव यात्रा विभिन्न जिलों में प्रस्थान कर रही है और वहाँ खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही है। उसी कड़ी में आज ये गौरव यात्रा मुजफ्फरपुर पहुँची है। हम लोगों ने पूरी टीम का स्वागत किया है और ये बिहार के लिए बहुत गौरव की बात रहे। जो विभिन्न विधाओं में, विभिन्न खेलों में जुड़े हुए खिलाड़ी हैं, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है, चाहे वो सरकारी नौकरी की हो या जो प्राइज की राशि है, या जिस तरह से स्पोर्ट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है हर एक ज़िले में, तो इसका लाभ उठाना चाहिए और खिलाड़ी इसका लाभ उठा करके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना भी रहे हैं और इससे निश्चित रूप से आने वाले भविष्य में बिहार को एक नई पहचान मिले। मैं राजगीर में स्पोर्ट्स जो कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर 11 तारीख से 20 नवंबर तक एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है, जिसमें 6 देशों की जो टीमें हैं वो आ रही हैं। ये निश्चित रूप से हम सब बिहारवासियों के लिए बड़ी गर्व और गौरव की बात है कि एक इतने बड़े स्तर का खेलकूद प्रतियोगिता का यहाँ आयोजन होने जा रहा है। आपके माध्यम से मैं जितने भी लोग हैं, जो भी खिलाड़ी हैं, सबको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ। थैंक यू।